दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन के लिए आज यानी कि 1 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 23 दिसंबर तक चलेगी। वो अभिभावक या फिर माता पिता जो अपने बच्चे का दाखिला नर्सरी क्लास में करवाना चाहते हैं, वो 1 दिसंबर से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2022 है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा निदेशालय 20 जनवरी 2023 को पहली मेरिट लिस्ट जारी करेगा। आपको बता दें, दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी ग्रेड के लिए बच्चों का सिलेक्शन शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी फाइनल लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली में नर्सरी केजी क्लास 1 एडमिशन 2023 के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली के 1700 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। अगर आप बच्चे का नर्सरी केजी या पहली कक्षा में दाखिला चाहते हैं तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली वेटिंग लिस्ट 20 जनवरी 2023 को छात्रों के नाम के साथ जारी की जाएगी, जबकि दूसरी सूची 6 फरवरी 2023 को जारी होगी। अगर तीसरी लिस्ट बनती है तो वो 1 मार्च 2023 को जारी होगी। एडमिशन की प्रक्रिया 17 मार्च 2023 को समाप्त होगी। नर्सरी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे पेरेंट्स इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। नर्सरी क्लास में एडमिशन के आवेदन के लिए एज लिमिट 4 साल है, जबकि केजी में दाखिले के लिए एज लिमिट 5 साल और कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु सीमा 6 साल रखी गई है। एज की काउंटिंग 31 मार्च 2023 से होगी। सभी कक्षाओं के लिए उपलब्ध सीटों की डिटेल्स की घोषणा 16 दिसंबर 2022 तक कर दी जाएगी। आवेदन फॉर्म ₹25 के शुल्क पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक स्कूलों में उपलब्ध होंगे। माता पिता को प्रॉस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य नहीं होगा। स्कूल प्रमुख आयु सीमा में अधिकतम 30 दिनों की छूट दे सकते हैं। माता पिता मैनुअल आवेदन के जरिए आयु में छूट प्राप्त करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, एडमिशन के लिए पॉइंट्स तय नियमों के आधार पर ही दिए जाएंगे। नर्सरी में दाखिले के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होगी, जिनमें बच्चों के पासपोर्ट साइज की फोटो, पेरेंट्स या गार्जियन की भी पासपोर्ट साइज की फोटो, बच्चे के साथ पेरेंट्स की एक फैमिली फोटो, एड्रेस प्रूफ, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का आधार कार्ड जरूरी है। आपको बता दें, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभिभावकों द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर स्कूलों में पॉइंट्स अपलोड किए जाएंगे। स्कूलों को दाखिले को लेकर बच्चों को मिलने वाले पॉइंट्स वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।